मेरा ओपिनियन ये है कि पहली चीज़ ये है कि आपकी अपनी जो मेंटरशिप है, हाउ मच यू आर डिवोटेड एंड हाउ मच यू कैन रियली गिव टाइम टू, और वो डिपेंडेंट है ऑन दी ऑन विच पार्ट ऑफ करियर यू आर इन. अर्ली एजेस या जो जो होती हैं करियर की, यू हैव टाइम, यू हैव पैशन, यू यू फील टू हैव डायलॉग एंड शेयर योर थाट्स एंड व्यूज़. तो उसमें एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बन जाता है. एंड आई थिंक फर्स्ट 10 ईयर्स वर लाइक दोज. उसमें बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स मेरा ख्याल है मुस्तफ़ीद हुए होंगे, या मसर साहब भी हैं, हुमायूं हैं, आई थिंक दे डिड वेल इन देयर करियर्स. मुझे याद है कि उस वक्त आई यूज टू डायलॉग अ लॉट. लेकिन उसके साथ फिर ये नेक्स्ट जो फेज़ आता है, जब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो अटेंशन है टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो इतनी हो जाती है कि आप ज़रा टेंडेंसी कम हो जाती है. एज फैक्टर्स भी होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि द लास्ट 10 ईयर्स ऐसे नहीं हैं जो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे सका. आई एम गिल्टी ऑफ दैट. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्ट ग्रेजुएट्स कि वो एक्सट्रैक्ट कितना करना चाहता है. और वो बिकॉज हम तो रिस्पॉन्स देख रहे हैं, इफ़ समबडी इज एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मेरा ख्याल है कि थिंग्स हैव चेंज. मेरा ख्याल है, मुझे अभी फील होता है कि आर्किटेक्ट्स को बहुत जल्दी एक्वायर करने की, अपनी प्रैक्टिस में जाने की, या यू नो फ्यूचर की प्लान्स की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है. तो वो अभी इन्वायरमेंट नहीं है. इट इज़ सैड बट इट इज़ हाउ इट इज़. अब बहरहाल मैं अपना अपने आप को भी समझता हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए आर्किटेक्ट्स को जो आपके साथ हैं. दे कम हेयर टू लर्न. तो आई ट्राई माई बेस्ट जितना दिया जा सकता है.